रायसेन के जिला अस्पताल में मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है, जहां से एक मामला सामने आया है जिसमें पहले आकस्मिक गर्भपात हुई महिला के परिजनों से एम्बुलेंस की सफाई कराई गई, उसके बाद ही उन्हें अस्पताल के अंदर जाने दिया गया। इस मामले को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हॉस्पिटल पहुंचकर CMHO डॉक्टर दिनेश खत्री को ज्ञापन दिया गया और 3 दिन के अंदर कार्रवाई करने को कहा। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। क्या मामला है जो धरना देने की जरूरत पड़ी? आज आयसेन अस्पताल में हमने ज्ञापन के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बताया है कि रायसेन अस्पताल में अभी गैरतगंज की एक पीड़ित महिला थी जो अपने प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी, उसको गैरतगंज से जब रायसेन रेफर करते हैं, 108 का चालक उसके साथ जो अटेंडर थी सविता उसके साथ बदतमीजी करता है और गाड़ी की सफाई तक कराता है। ये सब मांगे हैं। एक घटना घटित हुई खरगावली की, एक पिताजी के इलाज के लिए महिला साथ आई थी, उस महिला का सिर्फ जुर्म इतना था कि स्टाफ नर्स की स्कूटी पे उसका पैर लग गया, उसके साथ बदतमीजी अव्यवधात करती है और जब तक वो स्कूटी को साफ नहीं करा लेती स्टाफ नर्स, जब तक उसे अंदर नहीं जाने दिया था। ऐसी तीसरी घटना हुई, एक डिलीवरी होती है, वो डिलीवरी 3 दिन के बाद अपने 3 दिन के बच्चे को लेकर 8 घंटे अस्पताल के गेट पर खड़ी रहती है, लेकिन 108 के कर्मचारी से संपर्क करने के बाद भी, स्टाफ के कर्मचारियों से संपर्क करने के बाद भी वो गाड़ी उपलब्ध नहीं होती। इन तमाम बातों को लेकर आज हम कांग्रेस परिवार के लोग, यूथ कांग्रेस, NSUI, ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस, सबने ज्ञापन के माध्यम से 3 दिन का टाइम दिया है और निश्चित यदि इन सब बातों को आप डरना नहीं सुधरा तो कांग्रेस विवश होगी आगे की रूपी बनाने के लिए आगे की। आपके द्वारा स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री की इन घटनाक्रमों को लेकर क्या भूमिका? निश्चित ही स्वास्थ्य मंत्री चूंकि इस पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है और खुशनसीब भी है कि रायसेन जिले के श्री विधानसभा गृह क्षेत्र है उनका, जब रायसेन मुख्यालय पे स्वास्थ्य मंत्री के नाक के नीचे ये हाल उनके कर्मचारी, या तो उनकी शेप है ये कर्मचारी काम करते हैं, यह हाल है तो पूरे प्रदेश की क्या दशा होगी। ठीक है सर, आज कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी और अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? ये जो घटना थी कल की, कल हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से तो आज प्राप्त हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई, ये घटना यदि है तो ये निश्चित तौर पर निंदनीय है और हमने यहाँ के जो अस्पताल के इंचार्ज हैं डॉक्टर शर्मा साहब, उनको एक पत्र जारी किया है जिसमें विधिवत CCTV फुटेज के माध्यम से और अन्य पूरी घटनाक्रम के तहत हमें पूरी जाँच चाहिए। इसके अलावा हमने 108 कंपनी के जो उनसे अनुबंध है शासन का, उनको भी नोटिस जारी किया है कि हमें पूरी घटनाक्रम से इसमें जांच कमेटी बनाते हैं। जांच कितने दिनों के समय निर्धारण में कम्प्लीट होगी? हमने उनको 3 दिन का टाइम दिया है, 3 दिन में उनको सर। आप नर्स ने स्कूटी साफ करवाई थी, उससे क्या कार्रवाई? उसने अब क्योंकि ये मामला अस्पताल के अंदर का नहीं है, बाहर का है, निश्चित तौर पर यदि एक पीड़िता का कहना है साफ करवाई, अब उसका तथ्यात्मक जानकारी आने के बाद ही सिविल सर्जन ने जांच भी करा। सर विगत 2 सालों से ये मामले देखने आ रहे हैं, तो क्या आपके अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पे क्या आपका होल्ड नहीं है? कौन से मामले देखने आ रहे हैं? कोई से भी मामले देख लीजिए 1.5 साल के अंदर जो उठे हैं, छोटी छोटी घटनाएं, निश्चित तौर पर अगर किसी ने आपस में कोई द्वंद्व है, किसी प्रकार की चीजें हैं या तो अभी रहती है, इसमें ऐसा नहीं कि नियंत्रण नहीं है, पूरा सर अभी आपने कहा छोटी छोटी बातें हैं, तो महिलाओं के सम्मान आपकी नजर में छोटी घटना है? नहीं, महिलाओं का सम्मान अभी आपने कहा किस बिंदु पे आप बात करना चाह रहे हैं? आपने कहा छोटी छोटी, मैंने विगत 1.5 साल का कहा तो आपने कहा छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, तो क्या महिलाओं का सम्मान आपकी नजर में छोटी घटना है? महिलाओं की, दो महिलाओं की आपस में लड़ाई है तो उसमें अपन क्या कह सकते हैं, अभी उसकी जांच नहीं आई जब तक अपन कुछ नहीं कहना सकते। महिलाओं की जांच। रायसेन से कलीम खान की रिपोर्ट।